जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर व अकामस्सलाह व अत्तज़्ज़का व लम यख्श इल्लल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आखर व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तद्ऊ मअ अल्लाहि अहदा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وصدق رسوله النبي الأمي الكريم। سامعین مکرم، میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج میں اور آپ سب ایک خوبصورت تقریب میں یا موجود ہیں جو مسجد کی افتتاح کے तकरीब है। पूरी दुनिया जब बनी और ज़मीन जब बनी तो ज़मीन का जो सबसे पहला टुकड़ा बना वो बैतुल्ला की जगह है और वो मस्जिद है, उसको बैतुल्ला कहा जाता है, मस्जिद हराम कहा जाता है। ज़मीन की सबसे पहली पैदाइश की जगह मस्जिद बनी, उसके बनने के बाद फिर ज़मीन यूँ फैली, फैलते 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 ये सारी दुनिया उस ज़मीन के बाद, यानी ज़मीनी दुनिया उसके बाद बनी। तो आगाज़ ही मस्जिद से है। ये जो बैतुल्ला की जगह है ये सबसे नीची जगह है और सबसे पहली जगह है और ये मस्जिद की जगह है। अब दुनिया में जब भी कोई जगह मस्जिद के लिए ख़ास होगी, जैसे ही कोई वक्फ़ करने वाला उस मस्जिद की जगह को वक्फ़ करेगा, फौरन उसकी नस्बत बैतुल्ला की तरफ हो जाएगी। दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं ये बेटियां हैं बैतुल्ला की, और इनकी नस्बत उसके साथ हो जाएगी। इससे पहले आप इस मस्जिद में अंदर आते थे, मस्जिद की जगह में आप कोई पेशाब भी कर लेता था, कचरा भी फेंक देते थे। मस्जिद बनने के बाद आप जूते के बगैर भी अंदर आएंगे, अब जूता पहन के नहीं आ सकते। कोई पूछने वाला पूछेगा, भाई पहले हम आते थे, क्या है, क्या मसला है भाई, हम आते थे पहले, अब क्या हो गया। वो कहते हैं मस्जिद हो गई, इसकी नस्बत बदल गई। इस नस्बत के बदलने की वजह से अब इसकी अहमियत बदल गई। क़यामत के दिन जितनी मस्जिदें हैं इन सबको उठाया जाएगा, और जब उठाकर इन्हें ले जाया जाएगा जन्नत की तरफ से, कहेंगे हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपने अहलो आयाल के साथ जाएंगे। तो इनसे पूछा जाएगा तुम्हारे अहलो आयाल कौन है, तो जवाब देंगे हमारे नमाजी, हमारे नमाजी हमारे अहलो आयाल हैं। और उसके साथ अब इससे दो बातें समझ, पहली बात कि मस्जिद की जगह बनते ही बैतुल्ला से इसकी नस्बत हो गई, उसकी बेटी हो गई। दूसरी बात, हमारी इससे नस्बत की वजह से अगर हम मस्जिद से ताल्लुक़ रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो हम अहल वयाल हो जाएंगे, और मस्जिद जब जाएगी तो हमें साथ लेकर जाएगी। बाकी आप अपना घर कितना कीमती बनाते हैं, कितना खूबसूरत बनाते हैं, कितना बड़ी मंजिल वाला बनाते हैं, वो अपनी जगह, आपका घर है, आपको बनाना चाहिए, लेकिन एक है अल्लाह का घर। आप सब अकेले अकेले अपना घर बनाते हो और सब ने मिल के अल्लाह का घर बनाना है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर बनाए हुए, मैं तो समझा कि हमने इफ्तिताह वहाँ करना है जहाँ जंगल होगा, कुर्ब जवार में कुछ होगा ही नहीं, बड़े बड़े दरख्त खड़े होंगे, मिट्टी के टेले होंगे, वहाँ पर दाखिला कैसे होगा। यहाँ तो आके मैं हैरान रह गया, यहाँ तो इतनी बड़ी खूबसूरत आबादी है। ये मस्जिद बनने में तो मेरे ख्याल से चंद महीने लगेंगे कि मस्जिद बन जाएगी, इसलिए कि तो आबादी के अंदर है, और आबादी के लोगों ने अपने अपने घर बनाए हुए हैं, तो ये घर बनाना कौन सा मुश्किल है, ये भी बन जाएगा। जब हम इसकी नियत करेंगे तो इंशाल्लाह बन जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ज़रूरत है मस्जिद की, और ख़ासकर पड़ोस वालों को कि वो नमाज़ अदा करें मस्जिद में। एक बात तो ये कि इसकी नस्बत बैतुल्लाह के से। दूसरी बात कि जब भी मस्जिद बनेगी तो मस्जिद में मस्जिद वाले मामूलात भी होंगे, यानी कुरान पढ़ा जाएगा, तिलावत की जाएगी, दर्स दिया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये जो नस्बत होगी इसकी नस्बत मस्जिद नबवी से, सुफा के चबूतरे से,
जब भी कोई जगह दुनिया में मदरसे के लिए दी जाती है उसकी नस्बत सुफा के चबूतरे के साथ हो जाती है, तो दो नस्बतें आपकी कायम हो जाएंगी। एक नस्बत ये कि आप बैतुल्ला के साथ नस्बत हो गई, दूसरी ये कि मस्जिद नबवी के साथ नस्बत हो गई। बैतुल्ला के साथ भी और मस्जिद नबवी के साथ भी, अल्लाह के साथ भी और रसूलुल्लाह के साथ भी। कुरान करीम में मस्जिद बनाने वालों और मस्जिद की तामीर करने वालों और मस्जिद चलाने वालों के लिए इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाही मन आमन बिल्लाही वल यौमिल आखिर वाकाम सला वात ज़का वलम यख्शा इल्लल्ला। मस्जिदें कायम करने वाले नमाजी हों, ज़कात देने वाले हों, एतात करने वाले हों और अल्लाह के अलावा किसी और से डरने वाले न हों। वलम यख्शा इल्लल्ला, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो कोई कुछ भी कहेगा, आप ये देखो कि आप अल्लाह और रसूल की बात कर रहे हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। और अगर आप किसी की बात मान रहे हो फिर आप मस्जिद तामीर करने वालों में और मस्जिद के मुतवल्ली बनने के काबिल ही नहीं है, आप मोहल्ले वाले मस्जिद के साथ मुंसलिक होने के काबिल ही नहीं है। समझो अपने आप को, वो ये समझो कि आपने इसमें वो सारे काम करने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में किए, क्योंकि इसकी नस्बत उसके साथ। और वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिद सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, मस्जिदें किसी और के लिए नहीं। मस्जिद इबादत की जगह है और मस्जिद सब की है, सब की है। अब सब का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी ना कहेंगे इमाम मेरा होगा, दूसरा कहे मेरा होगा, हम सब की है, नहीं नहीं, वो तो मुतवल्लियों का काम है। नमाज पढ़ने के लिए सबकी, इबादत करने के लिए सबकी, इबादत भी वो जो इबादत साबित हो, ऐसी इबादत भी ना हो जिस इबादत का तसव्वुर ही ना कि हमने ये मस्जिद में करनी है, जो आजकल की इबादतें मशहूर हो गई, ये भी हमने मस्जिद में कर। मस्जिद में इबादत के उसूल हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे और आज भी। मस्जिद तामीर करना कितनी अहमियत की बात है। मम बना ली, हज़रत अली सल्लम ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा, घर जन्नत में बनाएगा। भाई ये दुनिया में घर तो बहुत हैं लेकिन जन्नत में घर किसको मिलेगा? और ये जो दुनिया के घर हैं ये तो हम अपनी ताकत से बनाते हैं, और जन्नत के घर मेरा अल्लाह अपनी ताकत कुव्वत और अपनी अजमत से बनाता है। जो घर हम बनाते हैं वो कितने खूबसूरत हैं, जो मेरे रब बनाएगा वो कितने खूबसूरत होंगे। तो मस्जिदें अल्लाह के लिए, और मस्जिद बनाना दुनिया में ऐसा है कि आखिरत में अल्लाह उसका घर बनाएगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि मौलाना साहब कोई पार्टी ले आओ पूरी मस्जिद बना ले यार, टेंशन से छूट जाए, कोई पार्टी ले आओ और उलमा पार्टी ढूंढते हैं कि पार्टी आ जाए। मुझे ये बताओ अगर पार्टी मस्जिद बना ले तो हम क्या हैं? आपको जन्नत में करनी चाहिए ये उस पार्टी को चाहिए? एक आदमी ने कहीं मस्जिद बनवाई तो मोहल्ले वालों ने एतराज़ किया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा तुम दूर से आके मस्जिद बनाओ, हम यहाँ टमाटर बेचते हैं, हम बनाएंगे। भाई हम एक बोरी सीमट के देंगे, दो देंगे, तीन देंगे, 10 रुपये देंगे, 50 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे, हम सब मिल के बनाएंगे, हम भी तो बनाएंगे, हम मोहल्ले में रहते हैं, हमारा हिस्सा ही ना हो मस्जिद, बाहर से भी आके बना ले कोई बात है? हमने भी तो जन्नत में घर बनाने, अल्लाह तो बड़ा गयूर है, पूरी मस्जिद बना के जन्नत में घर दे दे या मस्जिद में हिस्सा मिला के अल्लाह जन्नत में घर दे दे, अल्लाह से पूछने वाला कौन है? इसीलिए मसाजिद ये जो लोग बलाक बलाक और एक एक चीज और जर्रा जर्रा जमा करके देते हैं इसको मामूली ना समझें, ये बड़े अहम है। और इससे रूगर्दानी ना करें, इससे पीछे हटने की कोशिश ना करें। अगर एक आदमी अपना घर 50 लाख में बना सकता है तो 2 लाख मस्जिद में भी तो दे सकता है, दे सकता है, ना दे तो लगता बात है, दे सकता है, बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। अगर एक आदमी अपने घर में 15 लाख लगा सकता है तो 50,000 मस्जिद में भी दे सकता है, जिसकी वजह से अच्छा अपना घर, अच्छा हमने अगर दुनिया में बहुत अच्छा घर भी अपना बनाया तो क्या जन्नत में हमें ये घर मिलेगा? इसकी तरह मिलेगा, इसके बदले में मिलेगा? नहीं। और मस्जिद हमने बनाई तो उसके बदले में तो जन्नत में हमें मिलेगा।
तो वो जगह जहाँ पर हमने जो है वो देखा ही नहीं, और वहाँ ज़रूरत भी है, और वहाँ हमारा घर अल्लाह बनाएगा, तो हमें हिस्सा तो लेना चाहिए। इसके लिए कल की सी बात समझिए, मैं इस बात को किया करता हूँ, आज फिर आ गई तो कर ले दूँ। जिन लोगों ने इस बात को बार बार सुना, वो बात सुनते ही वो कहेंगे बस बोली से फिर शुरू हो गया। क़यामत का पहला दिन 50,000 साल का होगा, उसके लिए कुरान ने कहा वह मकदार हु खमसीन अल्फसना। मैं बात इसलिए समझ रहा हूँ कि जन्नत के घर की अहमियत पैदा हो जाए। वह मकदार हु खमसीन अल्फसना, पहला दिन 50,000 साल का होगा। अगर आप नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जे हैं तो वो भी तवज्जो करें, और अगर बुजुर्ग मुतवज्जे तो भी तवज्जो करें। आप फाजिल लोग बैठ जाएं, सब तो कैमरा नहीं देख रहे ना, बैठ जाएं, बैठ जाओ, देखो पीछे वाले चेयर पे जाना, आप भी सेट करके बैठ जाओ, क्योंकि मैं तो हिनू गनी की जगह पे, आप भी तशरीफ रखें, बैठ के बना सकते। हाँ ऐसा हो जाए तो ये जवान सुने, ये जिनको अपनी जवानी में बड़ा नाज होता है ना, और बुज़ुर्ग भी कहते हैं बस अब हम ही हैं सब कुछ। 50,000 साल का एक दिन होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर, देखो ना 50,000 की बात ही तो बिजली भी बिजली चलेगी या मैग में कोई मसला हो गया हैं, जनरेटर बंद हो गया, 50,000 सुन के बड़े बड़ गया भाई, बंद हो जाती है जनरेटर, बेचारा क्या कर। 50,000 साल का एक दिन होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अभी तक 1444वां साल है, 1444वां साल है, और वो दिन 50,000 साल का होगा। 50,000 साल में से 1444 साल निकालो तो ऐसा है जैसा अभी सूरज निकला है, इसलिए कि 1400 साल तो नहीं है, 1400 हैं, और वो 50,000 साल है और एक दिन है, तो उस एक दिन में से 1444 साल निकालो तो अभी सूरज का कड़का लगा है, सूरज निकला ही नहीं है। और कितनी हुकूमतें और कितनी ताकतें और कितने लोग और कितने बादशाह और कितने दौलत वाले और कितने मकान और कितने महल्लात और कितनी ज़मीनें और कितने जायदाद और कितने सरमायादार और कितने सरमायाकार और कितने वडेरे और कितने नवाब और कितने गरीब और कितने मजदूर और कितने आलिम और कितने मुफ्ती और कितने वली और कितने कुतुब और अब्दाल गुजर गए भाई, गुजर गए, जवानियों की जवानियाँ ख़त्म हो गई, दौर के दौर ख़त्म हो गए, वक़्त कितना गुजरा, 1444 साल बस, और 50,000 साल के एक दिन। अच्छा अगर हम 100 साल जिए भाई, 100 साल जिए हम में से, हम 100 साल जिए और पैदा होते ही जवान हो जाएं, और जवान होते ही हमें इख्तदार मिल जाए, और सोना और चांदी और हीरे और जवाहरात के वो मालात लग जाएं, और हर काम हमारी मर्जी से हो, हर काम हमारी मर्जी से हो, कुछ हमें बीमारी दुख तकलीफ कुछ भी ना हो, और हम 100 साल जिए, मरना तो आखिर है, 100 साल बाद मर जाएं, और 50,000 साल के हिसाब से हम अपने 100 साल को निकालें तो ये सिर्फ 18 सेकेंड बनते हैं। अल्लाहु अकबर, सिर्फ 18 सेकेंड बनते हैं। कितने बड़े बड़े घर बना लिए, कितने मोहल्लात बना लिए, वक़्त कितने 18, और माफ़ करना माजरत के साथ, आप में और मुझ में वो 18 सेकेंड वाला भी कोई नहीं रहा, वो लोग भी मर गए जो 100 साल जीते थे। भाई आप में और हम में वो 100 साल वाला भी कोई नहीं रहा, यानी 18 सेकेंड वाला भी कोई नहीं है, वो भी मर गए जो 100 साल जीते थे। अब तो 60, 70, 80 की दहाई के अंदर अंदर ही काम हो जाता है, 40 साल में बीमारियां शुरू हो जाती हैं, 80 साल के दरमियान बीमारियां खाती हैं, और ढांचा होकर बंदा कब्र में चला जाता है, और कुछ भी बाकी नहीं बचता, अब पीछे क्या है। तो 14 सेकेंड के लिए और 12 सेकेंड के लिए तो मैंने माल बना लिया, उसके बदले में आखिरत में मेरे लिए घर बनेगा भी नहीं, और जिस घर में मैं बैठा हूँ और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ उसमें एक ईंट भी लगाएंगे तो ज़ाया नहीं जाएगी भाई, क्या होगी ये ईंट भी ज़ाया नहीं होगी, बल्कि ये ईंट भी हमारे काम आएगी, हमारे लिए जन्नत में घर बनेगा। हमारा अल्लाह तो बड़ा गयूर है और बड़ा रहीम है और बड़ा करीम है, थोड़ी हो कहकर तुमने पूरी मस्जिद नहीं बनाई, मैं तुम्हें पूरा घर नहीं देता, अल्लाह अधूरा घर थोड़ा ही देगा, अल्लाह 2 बलाक लगा के थोड़ा ही देगा, अल्लाह पूरा घर देगा हमें, हमारे एक ईंट के बदले एक बोरी के बदले में ज़रूर देगा। तो ये मस्जिदों का एहतराम करना चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए, उसमें खर्च करना चाहिए, उसकी तामीर की दिलचस्पी। और एक बात और आपको बताऊं, आप सब मिलकर और हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि यहाँ मस्जिद नहीं बने तब भी बनेगी, हम सब जोर लगा रहे और टिल लगा लेंगे मस्जिद नहीं चलने देंगे फिर भी चलेगी, हम सब ये कहें कि यहाँ अजान नहीं होगी फिर भी होगी, तो जो हमारे मना करने से नहीं होगी तो हमें क्या जरूरत है मना करें भाई, कहो होगी, कोशिश करो कि हो, नमाज हो, अजान हो। और जिस जगह मस्जिद होती है उस जगह अल्लाह का अजाब बहुत देर में आता है,
जिस इलाके में मस्जिद नहीं होती वहाँ अजाब इलाही के आने में कोई देर नहीं होती। आप क्या समझते हैं जब ये अजान हो रही है, अजान यही हो रही है। एक बहुत बड़ी साइंसदान थी, वो गई चांद पर और घूम घुमा के जब आई तो उसने कहा कि जब यहाँ कहीं पहुँची मक्का की गली तो उसने अजान सुनी। उसने कहा ये कहाँ है? उन्होंने कहा फलां जगह। उसने कहा मैंने ऐसी ही आवाज़ चांद के ऊपर भी सुनी थी। क्या बात है, ऐसी ही आवाज़ मैंने वहाँ भी सुनी थी। आप क्या समझते हैं अजान सिर्फ यहाँ होती है? नहीं भाई नहीं, ये फिजाओं में हवाओं में अर्श पे अजान की सदाएं गूंजती रहती। ये नेक अमाल ज़मीन पे नहीं घूमते, ये नेक अमाल अर्श पे घूमते हैं, अर्श पे आपके वजूद समेत। उनमें खुलूस जितना होता है इतनी बुलंदी पे जाते हैं। तो मस्जिद बनाने में खुलूस होना चाहिए और उसे बनाना चाहिए। इसलिए आपकी मस्जिद का आज यहाँ इफ्तिताह हुआ, बड़ी खुशी का मौका है। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ मौलाना ताजन फी साहब को, मुफ्ती महाज साहब को, भाई जुनेद को, मौलाना सैमडा साहब को, सारे हजरात यहाँ कोशिश कर रहे हैं, मस्जिद बन रही है। अब सवाल ये है कि क्या आपसे पूछता हूँ मस्जिद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? ऐसे नहीं जो जो कहते हैं बननी चाहिए हाथ खड़े करें, ये तो सभी कह रहे हैं बननी चाहिए, बननी चाहिए। ये बात भी तय है कि मस्जिद फरिश्ते नहीं बनाते, ये कन्फर्म बात है, पूरी पूरी साफ साफ बात है, इसमें कोई शक नहीं। मस्जिद फरिश्ते नहीं बनाते, ये भी तय है, अल्लाह की कुदरत है, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद ज़मीन से नहीं निकलती, ये भी तय। ये भी तय कि मस्जिद आसमान से गिरती भी नहीं। भाई आप लोगों को बताऊं, ये जो बैतुल्ला है ना, ये भी किसी ने बनाया है। फिर बैतुल्ला को बनाने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि बैतुल्ला में 360 हैं, बैतुल्ला में अल्लाह के घर में, खुद अल्लाह के घर में 360 भूत हैं। अल्लाह नहीं गिरा सकता, नहीं हटा सकता, बाहर नहीं फेंक सकता। ये इज़ा अरादा शैयन अय्यकूल लहू कुन फयकून, मेरा रब तो वो है जिसने कुन कहकर ज़मीन आसमान जैसी इतनी बड़ी बड़ी और चांद सूरज और सितारों जैसी इतनी बड़ी बड़ी ताकतें रख दी, उसके लिए बैतुल्ला से बुत निकाल कर फेंकना कौन सा मुश्किल है? नहीं निकाले। हुजूर पैदा हुए, हुजूर बड़े हुए, हुजूर वहीं पे जवान हुए, फिर हुजूर को नबूवत मिली, फिर हुजूर की दावत आई, फिर हुजूर ने दावत दी, फिर माहौल बनाया, माहौल बनाने के बाद फिर मक्का से आपको निकाला गया, फिर आप मदीना आए, फिर आप मदीना से वापस गए, अब जाके बुतों को तोड़ा। अल्लाह ने बताया काम सब हो सकता है, आप क्या कर रहे हो वो देखना है। रसूलुल्लाह ने बुत उठाकर बाहर फेंके, और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आए तो आपने मदीना में दाखिल होने के बाद जो काम सबसे पहले किया वो काम मस्जिद नबवी की तामीर थी। सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद वहाँ कोई पत्थर ला रहा है, कोई गारा ला रहा है, हुजूर भी ला रहे हैं, तो सहाबा कहते हैं आप तो बैठे। अल्लाहु अकबर, ये कितना अहम काम है, कितना अजीम काम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से पत्थर उठाए, फिर लगाए, मजदूरी का काम किया। मजदूरी का मतलब ली नहीं, मजदूरी का मतलब जो मजदूर वाला काम है वो किया, और मस्जिद नबवी बनाई। हर मस्जिद में हर आदमी को अपना हिस्सा मिलाना चाहिए ताकि सुन्नत के मुताबिक ये अमल हो। वैसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, कहते कहते मेरे दिल में आ गया, कोई ऐसे हैं जो कहते हैं मस्जिद की तामीर में हम हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो वो अपने नाम लिखवा दें कि हम मिलाना चाहते हैं, कोई कलम लेकर नाम लिख लें ताकि बरकत की आगाज़ यहीं से हो जाए कि जी मस्जिद में हिस्सा मिला रहे हैं, ताकि हम करना क्या चाह रहे हैं। मैंने मौलाना साहब को कहा कि यहाँ छपरा डाल के नमाज़ें फ़ौरन शुरू कर दो, फ़ौरन शुरू कर दो, ठीक है, उधर वजू की टैंकी रख दो और लोटे रख दो और यहाँ पर एक जगह बन जाए और वहाँ नमाजें शुरू हो जाएँ, आप नमाज़ें पढ़ने शुरू कर दो। मस्जिद का असल काम तो नमाज है, इमारत नहीं है, ये इमारत के बगैर भी जो है वो मस्जिदें होती है। तो कौन साथी हैं जो ये कहते हैं जी हम इसमें हिस्सा मिलाएंगे और हम इतनी सीमेंट की बोरियाँ देंगे, हम इतने पैसे देंगे, हम ये करेंगे? चलें 10,000 रुपया तो मेरी तरफ़ से, मैं मेहमान हूँ खुद भी, और मैं 10,000 रुपया इस मस्जिद की तामीर में देना चाहता हूँ ताकि इसका आगाज़ हो, मुझे सवाब मिलता रहे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। भी हम ये चाह रहे हैं कि आइंदा, आज तो इसकी तामीरात के लिए हमने इफ्तिताह किया इसका, इंशाअल्लाह आइंदा कुछ दिनों में छपरा डाल के बाकायदा नमाज का इफ्तिताह होगा, उसमें भी आप हजरात अपने दोस्त अहबाब को दावत देंगे, वो यहाँ तशरीफ़ लाएँगे, तरगीब आपकी होगी। बाकी जो हजरात यहाँ बाकी हैं और उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया, ज़ाहिर है हर आदमी के पास होते भी नहीं,
और वो बाद में भी करेंगे। आप ये बात फैलाएं, बताएं औरों को भी, और ख़ुद वकील बन जाएंगे जी, हमने वहाँ बनाना है इसलिए उस छपरे के लिए या बाकी के लिए वहाँ वज़ूख़ाना बनाने के लिए आप अपनी मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला ऐसे नेक काम करने की बहुत तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूली मुहम्मदिन नबी उम्मी वाली वसहबी अजमईन ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम रब्बुस समावाति वस्सबी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्ला अंत अज़्ज़ा जारब व जल्लतना ला इलाहा इल्ला अंत اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفرنهم بما شئت إنك على كل شيء قدير إلى العالمين اس مسجد میں جو ہم افتتاح کے لیے ہیں یا اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد مکمل فرما یا اللہ اس سے دین کے تمام چشموں کو جاری فرما یا اللہ یہاں سے تمام شرور اور فتنوں کو محفوظ فرما اللہ تو اپنے کرم فضل عافیت ایمان و سلامتی والا معاملہ فرما یا اللہ اس کی تعمیر کے لیے اہل خیر اور مخیر حضرات کو متوجہ فرما علاقے والوں کے لیے راحت اور سکون اور برکت کی ذریعہ بنا یا اپنی رحمتوں کا نزول فرما اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ مسجد بنانا تیرا گھر بنانا یہ اہم فریضہ ہے یا اللہ اسے جو لوگ سر انجام دے رہے ہیں تو جنت میں ان کے گھر تعمیر فرما یا اللہ ان کی آخرت کو اچھا اور خوبصورت بنا الٰہی العالمین ہم سب کو بھی نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تمام مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما اہل اللہ کی اہل حق کی حفاظت فرما ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرما ہمیں مساجد مدارس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔